एवरीवन, मैं हूँ एसपी और मैं आज लेके आ गया हूँ वन ब्लॉक की सीरीज़। तो इसमें क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, तभी आपने शायद क्लिक भी किया। तो इसको स्टार्ट करते हैं, और अगर नहीं पता इसमें क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। तो हमारे पास सिर्फ एक डर्ट ब्लॉक है, और इसको हम तोड़ेंगे तो और ज़्यादा ब्लॉक्स आएंगे। तो ऐसा करते करते हमें सप्लाईज जमा करनी है और फिर एंडर ड्रैगन को मारना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़े ब्लॉक्स तोड़ते हैं और मैं एक्सपेंड भी करते रहता हूँ इसको। तो यहाँ पे लगा देता हूँ। देखा कैसे एक सेकंड में ग्रास हो गई इसमें, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चेस्ट आई है और इसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, फेंक देता हूँ इन्हें ज़रूरत नहीं है। मेरी इन्वेंट्री में आ गया, इसको और इस साइड फेंक देता हूँ वॉइड में। और हमारे पास 5 ब्रेड हैं, हमेशा गलती कर देता हूँ मैं। अच्छा, हमारे पास 5 ब्रेड हैं, तो इस चेस्ट को भी तोड़ते हैं और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ साइड में जो है फेजेस लिखे आ गए कि कौन से फेज आएंगे पहले, और ये पता नहीं जो भी है। तो थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूँ मैं यहाँ पे, अभी शायद एनिमल्स भी स्पॉन होंगे। तो यहाँ से डर्ट लगा देता हूँ। और यार कमेंट में बताना है सीरीज कैसी लग रही है आपको। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चेस्ट रख देता हूँ और इसमें सब रख देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ इस सामान को खोना। और ब्लॉक्स तोड़ते हैं हम, और ये पहला हमारा ओक लॉग। और ये बोन ब्लॉक को हाथ से तोड़ सकते हैं क्या, देखते हैं। नहीं मिलता, तो ये मैंने गलत लगा दिया। चलो अभी रहने देते हैं इसे लगा हुआ। और बारिश शुरू हो गई, एक और वुडन लॉग और थोड़ी डर्ट और फिर से बोन ब्लॉक। और यहाँ पे शीप आ गई है एक, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ इस साइड से। अच्छा है कि शीप स्पॉन हो गई, अब हमें बेड शायद जल्दी मिल जाएगा। उसके लिए आयरन चाहिए, ये पक्का गिनने वाली है। अच्छा, उधर चले गई। तो हम कंटिन्यू करते हैं तोड़ना, और अभी रात हो गई है, बारिश भी हो रही है। फिर से बोन ब्लॉक बर्बाद जा रहे हैं यार ये। और एक चेस्ट आया, और इसमें बहुत सारी बोन मिल है, कुछ खास तो है नहीं, पर ले लेते हैं। और ये नीले वाले फूल और थोड़ी बेरीज, इनको भी मैं चेस्ट में रख देता हूँ, और ये सब भी रख देता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड करते हैं डर्ट से। और मैंने चेस्ट को सीधा तोड़ के सामान क्यों नहीं ले लिया, इसका रीज़न ये है कि शायद सामान नीचे गिर जाए। तो इसको मैं ऐसे ही तोड़ लेता हूँ, भरोसा नहीं है आजकल किसी का भी किसी इंसान का भी। अच्छा, इसको हम यहाँ रख देते हैं, और इसे यहीं खड़ा होना है, साइड हो जा, बस ये गिरे ना। और ये हम यहाँ रख देते हैं, और देखते हैं क्या क्या मिलता है। और थोड़ा और वुड मिल गया, और डर्ट ही डर्ट, और फिर से वुड, वुडन लॉग, और एक काउ स्पॉन हो गई। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक क्राफ्टिंग टेबल तो बना ही लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ
अगर ये रखने देगी तो। हाँ, और अब इस वुडन लॉक को लेता हूँ और मैं सोच रहा था कि थोड़े से स्लैब्स बना लूँ। और शायद आपको ये भी पता है कि मैं किस लिए बना रहा हूँ, ताकि अगर कोई मॉब स्पॉन हो यहाँ पे तो आगे ना आ पाए। ये गलत लग गया, मुझे नीचे वाले ब्लॉक में लगाना था। चलो अभी ब्लॉक तोड़ते हैं, अभी कुछ कर भी नहीं सकते। मैं खुद टेलीपोर्ट हो जा रहा हूँ यार इसके ऊपर, कुछ प्रॉब्लम है इसमें शायद। और थोड़ी और डर्ट मिली है, मैं इसको मैं इस साइड लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि एनिमल्स को भी थोड़ी जगह हो जाए। और बाकी ये जो मेलन है इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, और थोड़ा डिक करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। और मैं इसी के ऊपर खड़े होके कर रहा हूँ इसकी काम। थोड़े प्लैंक्स बना लेता हूँ मैं और फिर से डिक करते हैं, और कुछ काम नहीं है। देखो मैं खुद टेलीपोर्ट हो रहा हूँ इस पे, और एक बर्च लॉग आ गई हमारे पास, और फिर से एक बोन ब्लॉक। बोन मील है वैसे हमारे पास काफ़ी सारी, तो इसको ऐसे ही तोड़ देता हूँ। इसके लिए पिकैक्स चाहिए होगी ना, और ये काओ गिरने ही वाली है। काओ भी टेलीपोर्ट हो गई क्या, अजीब बात है। तो अच्छा, हम चलो देखते हैं और डिक करते हैं और हमें देखते हैं क्या मिलता है। और ये मेरे मुंह पे ही आ गई, ये शायद जंगल ट्री का लॉग है ना। और मैं स्लैब्स बनाता हूँ, हाँ जंगल लॉग है। फिर से एक बार स्लैब्स बनेंगे, इनको लगाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी अंधेरा हो गया यार, तो यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको सराउंड कर देता हूँ मैं। ये वाली डर्ट भी हटा देता हूँ, और वो भी नीचे गिर गई, बर्बाद हो गई। तो यहाँ पे और स्लैब्स लगाते हैं और फिर हम ग्राइंड करते हैं। अभी कुछ करने को है भी नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है ना। धीरे धीरे करके मज़ा आएगा इस सीरीज़ में भी। तो अभी स्लैब्स ख़त्म हो गए, अभी फिर से ही करते हैं। और मैं खुद ब खुद टेलीपोर्ट हो जा रहा हूँ इसके ऊपर। अगर मैं स्लैब्स में रहता हूँ, मेरे हिसाब से इसको ऐसे सेटअप किया गया है कि अगर मैं गिरूँ तो वापस ब्लॉक के ऊपर आ जाऊँ। और एक मशरूम का वो आ गया, तो अगर मैं स्लैब्स में हूँ तो शायद एआई को लग रहा होगा, एआई मतलब कंप्यूटर को लग रहा होगा कि मैं नीचे गिर रहा हूँ, शायद इसलिए। तो और ग्राइंडिंग करते हैं, चिकन भी आ गया एक। इसको हटाते हैं रास्ते से और देखते हैं क्या क्या मिलता है। एक और जंगल ट्री का लॉग, और ये क्या, अकेशिया, अकेशिया लॉग, और बाकी डर्ट फिर से। अब एक काम करते हैं, इस साइड को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, इधर को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, ताकि एनिमल्स के लिए थोड़ी जगह हो। तो इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। डर्ट तो मिलती रहेंगी ना शायद हमें काफ़ी ज़्यादा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो काफ़ी सामान है।
क्राउच कर रखा था मैंने और उसे मैंने हटा दिया और फिर से टेलीपोर्टेशन। देखो इस बार नहीं हुआ, पता नहीं क्या है। और ग्राइंड करते हैं और ग्राइंड, फिर से क्ले ब्लॉक, फिर से टेलीपोर्ट, फिर से ग्रास और फिर से काओ और फिर से मैं इसे धकेलूंगा। तो एक मशरूम काओ है और दो नॉर्मल काओ है। यार सामान नीचे गिर गया क्या? और फिर से टेलीपोर्ट हो गया मैं ऊपर। क्या चल रहा है? फिर से बेकार बोन ब्लॉक आ गया और फिर से वापस इसको फिर तोड़ता हूँ मैं। और जी हाँ, हम फिर से टेलीपोर्ट हो गए और फिर से टेलीपोर्ट हो गए और फिर से टेलीपोर्ट हो गए। ये लोग चाह क्या रहे हैं कि हम गिर जाएं नीचे? इनफैक्ट जब स्लैब्स नहीं लगाए थे तब भी टेलीपोर्ट हो रहा था। थोड़ा और एक्सपेंड कर लेता हूँ यहाँ से, 15 डर्ट ब्लॉक आ गए, वरना जानवर मुझे चैन से उस ब्लॉक को तोड़ने नहीं देंगे। मन तो कर रहा है मार दूं इन्हें, पर क्या पता कुछ काम आए बाद में। तो ये ब्लॉक भी गलत लग गया। और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, और थोड़ा तोड़ते हैं और फिर हम टेलीपोर्ट हो गए। यार मैं क्या करूं, मेरे समझ नहीं आ रहा। और ये डार्क ओक है क्या? हाँ कभी कभी पता है डरा देता है मुझे टेलीपोर्ट होके। मुझे ऐसा लगता है मैं गलती से फिर गिर गया। और मेलन आ रहे हैं हमारे पास और बर्चवुड का लॉग और फिर से डर्ट और फिर से ओक ट्री। 9 डर्ट ब्लॉक्स आ गए, थोड़ा और कर देता हूँ। वुड से भी कर सकता हूँ वैसे मैं, पर कर नहीं रहा हूँ, गलत ही लगना है ना हमेशा। और इसे यहाँ लगा देते हैं। और इनको यही चिपकने की क्यों हो रही है पता नहीं। काफी सामान लेके घूम रहा हूँ और मैं फिर गिर जाऊंगा अभी। और एक पिग, अब बचा कौन है आने को? सब तो आ गए। और हमारी शीप कहाँ गई? गिर गई शायद। अरे यार अब हमारे बेड का क्या होगा? अब एक और शीप का इंतजार करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं उसे मार ही देता, कम से कम एक फूल तो दे देती। और ये ऐसी क्यों देख रही है मुझे? ये बेचारी भी चपेट में आ गई टेलीपोर्टेशन के। अब इसके साथ गेम खेलते हैं हम। एक और शीप आ गई, बहुत बढ़िया। ये शीप गिननी नहीं चाहिए वरना हमारे बेड का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो हमें आयरन चाहिए होगा ना बेड बनाने के लिए। तो इसको मैं तोड़ता हूँ, तोड़ते ही रहता हूँ। पता नहीं अगला फेस कब आएगा, देखते हैं। यार वैसे काफी तोड़ लिया अब तक, तो आ जाना चाहिए था। बाकी ये वुड वगैरह मैं यहीं रख देता हूँ, सारा सामान यहीं रख देता हूँ। मैं गिरते जा रहा हूँ बार बार, तो और तोड़ता हूँ इसे। एक और शीप,
इनके लिए यार एक एरिया बनाना पड़ेगा, फेंस वगैरह लगा के। कुछ और डर्ट कलेक्ट कर लेता हूँ मैं, फिर बनाएंगे। अभी गिर गया था मैं, बच गया। टेलीपोर्टेशन का बड़ा गलत चक्कर हो रहा। और थोड़ी और डर्ट आ गई और एक और लॉग और डर्ट 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 आने में लगी है। सही है, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, फिर एनिमल्स को वहीं डाल देंगे, पिंजरे में बंद कर देंगे इन्हें। और ये बेचारे मुझे देखेंगे, पर हैं ये बेवकूफ़ टाइप के ही, फिर भी ये बाहर ही आ जाएंगे। ये बहुत परेशान करने वाले हैं, मुझे पता है। ये पहला पम्पकिन है क्या? एक और मेहमान, एक और काओ। अभी मॉब भी आ सकता है यहाँ पे किसी भी समय। एक चेस्ट आया, कचरा रखा है इसमें, कचरा। इसको तो मैं ऐसे ही तोड़ लेता हूँ, जो गिरेगा अपने आप गिरता। और जब कचरा मिलता है ना चेस्ट में, तब कुछ नहीं गिरता है, और जब अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है तब सब नीचे गिर जाता है। ये प्रॉब्लम हो जाती है बहुत, किस्मत तो है ही नहीं क्योंकि अच्छी। और काफ़ी वुड मिल रहा है हमें, जो कि अच्छी बात है। एक और काओ, गलती से मार दिया उसे, पर सही किया। चिपके रहते हैं यहाँ, पता नहीं यार, डर लगता है यार मेरे टेलीपोर्टेशन से बहुत। ऐसा होते रहेगा ना तो हमारी सीरीज का पता नहीं क्या होगा, हजार बार मैं गिरूंगा। तो तोड़ते रहते हैं। एक और चिकन, उसको साथ ही मिल गया अपना, लेकिन पुरानी वाली गिर तो नहीं गई, शायद गिरी गई वो। थोड़ा और तोड़ता हूँ। एक काम करते हैं, अब थोड़ा डर्ट मिल गई है हमें, तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे हमारे एनिमल्स रहेंगे, एक लाइन में ही बना रहा हूँ मैं भी, पता नहीं क्यों, पर कोई बात नहीं, धकेल देंगे नहीं। अब घर छोटा हो या बड़ा हो, रहना तो पड़ेगा। बाकी इस पे मैं ऑफलाइन काम करूँगा, थोड़ा ठीक करूँगा इसे। मैं फेंस बना लेता हूँ, थोड़ी स्टिक्स, थोड़ी फेंस। मुझे पता है 6 काफ़ी नहीं है, पर धीरे धीरे बनाते हैं। इतना एरिया तो हो गया, और यहाँ कैसी भसड़ लगी हुई है देखो। मैं किसी भी वुड की फेंस बना दूंगा, और मुझे कोई मतलब है नहीं फेंस से, बस इनको बंद करना है ना। तो यहाँ तक लगा देता हूँ, और इन फेंस को मैं यहाँ लगाता हूँ। और वुड है क्या हमारे पास चेस्ट में? होगा, हाँ है ना, काफ़ी है, इससे बन जाएंगी फेंस। तो 6 फेंस और आ गई हमारे पास। इतना एरिया काफ़ी तो होगा इनके लिए। खुद ब खुद जा रहे हैं अंदर, सही है, जाते रहो, मेरा काम आसान हो जाएगा। और हमें अब स्टिक बनानी है, और फिर गेट बनाना है, हे बेल से वीट बनाना है, और इनको बुलाना है। मशरूम का वो गिर गई क्या? मैं शीप की ब्रीडिंग करा लेता हूँ, ताकि बेड जल्दी से बन जाए हमारा। फिर से भाग गए,
गेट लगा देना है बस जल्दी से जाके यहाँ। और ये क्या हो गया, टेढ़ा लग गया। अब ठीक है, और ये भारी रह गई, इसको भारी छोड़ देते हैं, छोटी सी है ये, उतना डिस्टर्ब नहीं करेगी। और मैं सोच रहा था कि कुछ स्लैब्स बनाता हूँ, इन्वेंट्री में भी तो कचरा लेके घूम रहा हूँ मैं, और तीन फेंस थी मेरे पास, मैंने फिर भी बना दी, देखता नहीं हूँ ना मैं काम करते समय। देखो अभी फिर क्राउच नहीं किया था, मैं अभी गिर सकता था, मैं बहुत नूबड़ा प्लेयर हूँ सही में। अच्छा इतना हो गया, मैं थोड़ा सा और इस साइड पे भी स्लैब्स लगा देता हूँ, और कोशिश करूँगा कि डर्ट ना गिरे। जंगल स्लैब्स बना सकते हैं हम, इनको ही लगा देते हैं, थोड़ा वेरिएशन आएगा इस जगह पे, पर मेस्ड अप भी लगता है तो इसको भी लगा देता हूँ। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है और सेफ लग रहा है। इस चेस्ट को भी मैं मूव करूँगा बाद में, इन फूलों का हम क्या करेंगे। और सबको मूव कर देता हूँ मैं, और फिर से हम वही करेंगे ग्राइंडिंग, और कुछ करने को है ही नहीं। तो इस एपिसोड का भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नए एपिसोड में।